अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल वेटनरी सेंटर चाशुपे का दिन है और इस वक्त मैं उस्मान नगर आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी मुस्तैक मजबूर औरतें हैं जिनको राशन की सख्त जरूरत है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉकडाउन की वजह से कई सारे मुस्तैक मजबूर लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं जो रोज का कारोबार करते हैं, इनके शौहर इस वक्त वो लोग भी कारोबार पर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग परेशान है। बस हम यही चाहते हैं कि हम हर घर को राशन पहुंचाना चाहते हैं। और एक चीज आप लोग को भी मालूम है कि सिर्फ 2 ही दिन में रमजान शुरू होने वाला है, 2 दिन बाद सहरी, पहली सहरी है, रमजान है। तो आप लोग सोचिए लोग इफ्तार में क्या खाएंगे, सहर क्या करेंगे, ऐसे लोगों का घर कैसे चलेगा, इनके पास कैसे राशन का इंतजाम होगा। तो बस हम यही चाहते हैं कि लोगों के लिए आप लोग जैसे हो सके जल्द से जल्द राशन का इंतजाम करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस वक्त आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तकलीफ में है। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त राशन के लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो भूखों से तड़प रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। तो हम ऐसे कई सारी जगहों पर जाकर लोगों को राशन फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप लोग चाहे तो चावल के थैले दे सकते हैं या तेल के पैकेट, जो जो चाहे आप लोग जैसे चाहे पैकेजेस बनाकर भी दे सकते हैं। अगर आप लोग पैकेजेस भी बनाकर रखेंगे तो मैं खुद आकर आपके पास से पैकेजेस ले लूंगी। तो बस आप लोग ये सोचिए कि ऐसे कई सारे मुस्तैक लोग हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा, कैसा भूख से रह रहे होंगे, स्लम एरिया से एकदम मजबूर लोग हैं, मुस्तैक लोग हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि जितने भी और भी कई जगह से मुझे कॉल आए, कई सारे लोगों के मैं हाल सुन रही हूँ, मुझे खुद अच्छा लगा, मैं कहाँ कहाँ पर जाऊंगी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे पास अगर स्टाफ रहेगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, अगर आप लोग बराबर देते रहेंगे, ताउन करते रहेंगे, तो ऐसे कई सारे लोगों के बख्तियार से ही दिनों की मदद देते रहेंगे हम। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग से जैसे हो सके आप लोग सपोर्ट करिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करिए। पैकेजेस भी अगर बनाना चाहते हैं तो पैकेजेस बना के रखिए, मैं खुद आपसे ले लूंगी। तो बस ये रमजान के हालात को देखते हुए आप लोग जल्द से मदद करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन में पहली सहरी होने वाली है। तो सोचिए ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जिनके पास इस वक्त खाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं है उनके घर में, तो इस वक्त कैसा रहेंगे वो लोग। तो बस आपसे जैसे हो सके आप लोग इनके लिए ताउन करने की कोशिश करिए और जितना ज्यादा हो सके आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे पास पूरा स्टाफ खत्म हो चुका है, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मुस्तैक औरतों की मुझे हाल भी देखा नहीं जा रहा है। मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जितना चाहे मैं अपने हाथ से जितना चाहे आप लोगों को बता रही हूँ, और जैसे जैसा हमको मदद आ रही है, हम वक्त जैसे चाहे ऐसे लोगों की मदद हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको और भी स्टाफ की जरूरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके इतना सपोर्ट करने की कोशिश करें। बोले अम्मी, रमजान शुरू हो रहा है, कुछ खाने को नहीं है हमारे पास, कुछ खाने के वास्ते कुछ मदद करिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो बच्चों का गुजारा कैसा होगा, सुबह को खाए तो शाम को नहीं है, शाम को खाए तो सुबह को नहीं है, अगर ऐसा कब तक चलेगा, 1 महीना होगा ये कर्फ्यू लग के, ऐसा होगा तो कैसा, गरीब लोग हम लोग रोज मेहनत करके खाने वालों के पास कुछ नहीं है, आखिर कैसा चलेगा, आखिर ये मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं कैसा होगा। ऐसा रमजान शुरू होगा तो भी कुछ मिल रहा नहीं खाने को भी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान शुरू होने के लिए 2 दिन बाकी है, घर में राशन नहीं है, तो कैसा रोजा रहना, हम लोग कैसा सहरी करना, बोले आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो रोजे के लिए हिम्मत करेंगे, जब राशन ही नहीं है घर में तो कैसा हिम्मत करना हम लोग रोजा रहने के लिए। आप लोग कोशिश करिए, गरीबों की मदद करिए, अल्लाह आपको भी आगे बढ़ाएगा। आप लोग इतनी मदद करिए कि छोटे बच्चों को तक अनाज मिले। बस हम ये चाहते हैं कि देखिए रमजान की जो जकात होती है वो आप लोग ऐसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जकात में से भी आप ऐसे लोग हैं जो आपकी जकात के हकदार हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।